सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं अपनी ट्रिप पे जो कि है हमारी दिल्ली के लिए। ये हमारी पहली मतलब ऐसे ट्रिप है कोई, मतलब जो दूर है, बाकी तो हम लोग ऐसे आसपास एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो अभी आगे आपको हम आपका पूरा ट्रेन का टूर और सब टूर दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल्ला भाई हमारे, आगे अभी आपको दिखाते हैं स्टेशन का, ट्रेन का कितना मैंने पे किया है और जो भी है तो आपको दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ। रुशाद मारे हमारी ट्रेन आ गई है जो है प्रयागराज एक्सप्रेस। अभी हम लोग अपना कोच ढूंढ रहे हैं S5। अब देखिए कितना आगे पीछे मेहनत करवाते हैं। तो भाई हम लोग को हमारा कोच मिल चुका है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, सोचा था कि नवंबर में थोड़ा बहुत ठंड आएगी लेकिन इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 10:10 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। अभी फिलहाल कुछ और तो है नहीं यहाँ पे स्टेशन दिखाने के लिए, नॉर्मल स्टेशन ही है। जो था बाहर का मैंने आपको दिखाई दिया है। अब उसके बाद जो है जैसे जैसे आगे होता है फिर आपको दिखाते हैं। रात में ज़्यादा कुछ होने वाला तो नहीं है, प्रोबेबली सुबह ही दिखा पाऊंगा या तो फिर रात में अगर कुछ ऐसा दिखाने लायक दिखता है तो फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज से, हमारी ट्रेन 2 मिनट लेट हुई है यहाँ पे। इसके आगे जो भी जैसा भी कुछ दिखता है हम लोग आपको दिखाएंगे व्लॉग में भी। फिलहाल के लिए तब तक जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ और अब मैं अंदर जा रहा हूँ इससे पहले कि कोई मेरा फ़ोन पेल के खा के। गुड नाइट। तो भाई हम लोग खाना खा के लेट चुके हैं, सब लोग लेटे हुए थे तो फिर मैंने सबको अनकम्फर्टेबल कराने का नहीं सोचा कि मैं उतना व्लॉग बनाता, सब अनकम्फर्टेबल होते तो इसीलिए अभी हम खाना खा के लेटे हुए हैं। फ्रंट कैमरा मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इधर लाइटिंग सही नहीं है, क्योंकि जिधर मैं लेटा हुआ ये मिडिल बर्थ पे, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा हल्की है तो वीडियो क्वालिटी ख़राब आएगी। हमारे अब्दुल्ला भाई खाना वाना खा के अब सोने की तैयारी में है। भाई अभी मेरे पास कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं 10:47 हो गए हैं, रात की ट्रेन है, सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे। हमारे अब्दुल्ला भाई भी लेट चुके हैं, सुबह ही दिखाते हैं आपको क्योंकि अभी लाइट बंद हो जाएगी, सब सोने चले जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई अभी भी हक के आए भाई, अभी हम लोग उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 6:55 और अभी हम देखिए भाई अभी हमारी ट्रेन जो है बिफोर टाइम हो गई है, 1 मिनट दिख रहा होगा शायद आपको, 1 किलोमीटर बचा हुआ है। 5 से अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है शिवाजी ब्रिज, दिल्ली के पास कोई स्टेशन है इसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। आगे अभी इसके बाद डायरेक्ट हमारा स्टॉप जो है वो डायरेक्ट दिल्ली का है और हमारे अब्दुल्ला भाई मतलब बहुत ही मतलब हल्के हो गए हैं अभी, जैसा कि अभी आप लोग को दिखाया गया कैमरे में। भाई रात में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए तो फिर इसीलिए मैं वीडियो वहाँ पर बंद करके सो गया डायरेक्ट। फिर हम लोग उठे 6 बजे, 6 बजे के बाद ब्रश व्रश फ्रेश वगैरह हुए अपना, उसके बाद अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। 7 बजे की टाइमिंग तो यहाँ पे आके रुक गई है, अब देखिए कितना यहाँ पे लेट करती है। आगे फिर अब डायरेक्ट व्लॉग दिल्ली में ही कंटिन्यू करते हैं। भाई अभी हम लोग की ट्रेन जो है वो हाईएस्ट स्पीड पकड़ चुकी है, देखिए आप लोग हम अपनी आंखों से कवर नहीं कर पा रहे इतनी स्पीड। वेलकम दिल्ली भाई, फाइनली हम लोग दिल्ली आ चुके हैं। मॉडल मतलब क्या, हक दियो तो बात भी नहीं कर रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं कश्मीरी गेट की तरफ, वहाँ पे हम लोग अपना रूम वगैरह लेते हैं। रूम वगैरह लेने के बाद कुछ खाए पियेंगे,
फिर हम लोग निकलेंगे, अगर चोर बाजार की टाइमिंग बची होगी तो चोर बाजार जाएंगे, वरना लाजपत मार्केट जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे सस्ती सी मार्केट जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ। आखिरकार हमें चलते हुए एस्केलेटर मिल गई। क्यों भाई? आखिरकार चलती हुई एस्केलेटर मिल गई। अब सब लोग बताइए, सुबह सुबह जो बिल्डिंग ढूंढली दिख रही है, ये पॉल्यूशन से है या कोहरे से? सबसे बढ़िया कमेंट करने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। ये रहा KFC। यहाँ हम लोग नहीं जाने वाले हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमें ट्रिप का बजट खाने में नहीं खर्चा करना। हमने फाइनली अपनी जैगवार मंगा ली है भाई, जाने के लिए रूम तक। अब अपनी जैगवार में हम लोग रूम ढूंढते हैं। आप लोग इतना दिल्ली देखिए वीडियो में। भाई मैं स्टेयरिंग घुमाने वाली जैगवार की वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। जैगवार यादें जुड़ी हैं बाबा इस जगह से। बस इन्हीं होटलों का नाम देख के तो जान देने का दिल करने लगता है। वाह भाई, फाइनली हम हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा रौनक रहने वाली गली में, जो कि है जामा मस्जिद वाली गली। भाई ब्रूसली का खालू है भाई। बहुत टहलने के बाद भी हमें रूम नहीं मिल पा रहा जामा मस्जिद पे। कहीं खाली नहीं है तो कहीं है तो मतलब हाइजीनिक नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो अभी फिर हम लोगों ने सोचा कि ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है हम लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं चोर बाज़ार एक्सप्लोर करने। तो चोर बाज़ार जाते हैं, उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद आराम से रूम ढूंढेंगे। ज़्यादा लगेज भी नहीं है, बस एक ये वाला बैग है और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर चोर बाज़ार चल के आपको दिखाते हैं क्या है कैसा है वहाँ पे। भाई भैया हम लोग के साथ प्रैंक कर रहे थे, 200 रुपये में जो है एप्पल एयरपॉड प्रो 24,999 का, वो भी मैंने कहा 200 दूंगा, तो कहने का नहीं 1,000 दे। मैंने कहा रहने दो, पहले पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, जहाँ सही पड़ेगा उधर से लेंगे। भाई आप लोग देख रहे हैं, भाई के पास बहुत अच्छी अच्छी वॉच है। बाबा वॉच का क्या पैसा बता रहे हो? चाचा है क्या? यहाँ के लोग जो है ना, वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे जल्दी, बहुत सफाई से वीडियो बनानी पड़ेगी, पता नहीं चलना चाहिए। भाई हमारी हालत बदली हो गई है। यो अब्दुल्ला भाई, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है आज यहाँ पे, बहुत ज्यादा रश है भाई। बहुत ढूंढने के बाद भी हमको एक ढंग की वॉच नहीं मिल पा रही है सही से यहाँ पे। उधर पूरा देख लिया, मतलब नए नए करके 3-4 किलोमीटर हम लोग अभी यहाँ पे घूम चुके होंगे, लेकिन हमें एक भी ठीक वॉच नहीं मिल पा रही है। कोई है तो मतलब महंगी एकदम ही है, और मतलब वही नॉर्मल 500,000 वाली 4-4,000 की बता रहे हैं। जा रहे हैं अभी एग्जिट की तरफ, अगर उधर कहीं मिलती है तो फिर आपको दिखाएंगे व्लॉग में। तब के लिए टेक केयर भाई। अभी हम लोग चोर बाज़ार से बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि पुलिस आ गई थी वहाँ पे, तो मतलब आते रहते तो फ़ोन वगैरह जो है वो छीन के ले जाते हैं लोगों का, जो बेचते रहते हैं चोरी का। तो आपको मैं ऐसे वीडियो में अगर एक आइडिया दूँ तो 500-600 रुपये की आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगी, 800 से 1,000 रुपये में आपको जो है एयरपॉड प्रो मिल जाएगा एप्पल का, कनेक्टिविटी वगैरह सब दिखाएगा वो। अभी हम लोग थक चुके हैं, हम लोग अब जा रहे हैं करोल बाग। करोल बाग में अगर मुझे डंकी घड़ी मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर मैं घड़ी नहीं लूँगा। अच्छा मतलब 7-8 बजे तक माल ख़त्म। भाई आ जाओ, असल में हमारी ट्रेन ही लेट आई थी ना, मतलब माल इससे बढ़िया मिल जाएगा। भाई हम कल ने बताया कि अगर आपको चोर बाजार में जो है ढंग का माल चाहिए तो सुबह 6 बजे आइए, क्योंकि 8 बजे तक यहाँ पे सारा माल खत्म हो जाता है। पोपट हो गया यार अपना, इतनी दूर आना पोपट हो गया। तो भाई हम लोग ने, जैसा कि आप लोग ने देखा, हम लोग ने जो है चोर बाजार एक्सप्लोर कर लिया पूरा।
और उसके बाद में उसकी वीडियो भी आप लोग को दे दी। तो ये वाला व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ज़्यादा लेंदी ये वाली वीडियो नहीं होगी। अब हम लोग जा रहे हैं करोल बाग, न्यू व्लॉग वहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये वाला व्लॉग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।